आज विषय जो सिनर्जी वार्ड में जो हत्या हुआ था, जिसके कारण मुझे घर से बिना कुछ बोले मेरे को घर से उठा के लेके गए कि आपको जान का खतरा है, आपके जान का खतरा, आपके सुरक्षा के लिए आपको लेके जा रहे पुलिस स्टेशन, ऐसा बोल के लेके गए मुझे। और लेके जाने के बाद एक करीब 3:30 बजे का, शाम का 3:30 बजे का घटना है, और रात को 10 बजे मेरे से साइन लिया गया, और ज़बरदस्ती से मेरे से साइन लिया गया। मैं बोला, मैं विरोध किया उसका कि मेरे से साइन क्यों ले रहे थे, इतना बड़ा संगीन आरोप में 302 के इसमें आप एक कलम मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने बोला कि ये 302 के इसमें मुझे क्यों आरोपी बना रहे आप, और जब आप चौकीसी करो इतना बड़ा आरोप जब आप मेरे ऊपर ये कर रहे, तो पहले तुम मैं देखो, पहले ये घटना का चौकसी करो, उसके बाद मुझे आरोपी बनाओ, अगर उसमें कुछ मिलता है तो मैं दोषी अगर ठहरता हूँ तो कोई विषय नहीं है, और दोषी नहीं ठहरता हूँ तो मुझे अब छोड़िए। तो उन्होंने बिना जांच पड़ताल के मुझे आरोपी बनाया। उसके बाद उन्होंने चौकसी किए, प्रशासन ने पूरे सब जांच पड़ताल होने के बाद उसके बाद पूरा देखे कि मेरा इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सब खुद प्रशासन के लोगों ने ही मुझे बताया थाने में कि आपका कुछ मिला नहीं करके। उसके बाद भी बोले, मुझे ऐसा बोला गया कि हमारे ऊपर प्रेशर है जिसके चलते आपको हम छोड़ नहीं सकते, जो कि वो वीडियो वायरल किए, इसीलिए ऐसा भी बोला गया मुझे कि वीडियो वायरल किए वो लोगों ने जिसके चलते आपको हम छोड़ नहीं सकते, नहीं तो आपको छोड़ने का हम सोचे थे कि आपको छोड़ेंगे करके, लेकिन मुझे छोड़ा नहीं गया, मुझे आरोपी बनाया गया, जो कि आज मुझे 4 महीना जेल में रहना पड़ा। आज पूरा जो बदनामी हुआ है मुझे, चंद्रपुर बंगाली ग्राम शहर में जो आज मैं हूँ, बंगाली ग्राम से मैं नगर सेवक हूँ, आज मेरा इज्जत का क्या, आज लोग मुझे क्या बोल रहे कि अजय सरकार नगर सेवक, आज सभी को मालूम है कि मेरा इसमें कुछ हाथ नहीं, अभी पता चला, लेकिन इसके पहले जो मेरे ऊपर जो बीता है उसका क्या। आज जो मैं 4 महीने नहीं रहने से लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम झेलना पड़े, आज मेरा ऑफिस का खुद का CCTV फुटेज मैंने दिया हूँ, चार्जशीट में पुलिस वाले ने जोड़े नहीं उसमें, बल्कि मैं घर में था, लॉकडाउन की वजह से मैं घर में था, पूरा लोकेशन, पूरा CDR लोकेशन, फ़ोन लोकेशन पूरा पुलिस वाले ने निकाले, और वो पुलिस वाले को मिला कि अजय सरकार, मैं खुद डैम पे था, मोरली पद्मापुर जो है वो डैम में था, जो मेरा मच्छी का फिशिंग का काम चलता मैं वहाँ पे था, उसी दिन गया था मैं, जिस दिन ये घटना घटा उसके एक दिन पहले मैं गया था, 29 तारीख को घटना गया था मैं, और 30 तारीख का ये घटना था, जो कि पुलिस वाले को मालूम है, सब कुछ मिलने के बाद भी, मेरा कुछ नहीं रहने के बाद भी मुझे आरोपी बनाया गया। और जो मर्डर किया जिसने, उसने खुद कबूल किया, SP साहब को, PI साहब को, SDV साहब को, सभी को उसने बताया कि मेरे को मार धोर करके अजय सरकार का नाम लिया गया करके, उसके बाद भी मुझे आरोपी बनाया गया, मुझे छोड़ा नहीं गया इतने बड़े आरोप से। तो मुझे न्याय चाहिए, इसके लिए मैं आप लोगों की तरफ आया हूँ, पत्रकार परिषद लिया हूँ इसके लिए।